मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल पेशेवर का जो आपका थर्ड है, इसके अंतर्गत कल हमने मैनेजमेंट के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता के लिए या मैनेजमेंट के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। आय व्यय का ब्यौरा जिसमें रखा जाता है वो हम उसको हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। कितनी संस्था को आय हुई और कितनी उसने प्राप्त करी और कितना खर्च हो रहा है, कितना उसको लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, इन सब का ब्यौरा जो है वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी संस्था की उन्नति और अवन्नति उसके वित्तीय मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। यदि वित्त का मैनेजमेंट संस्था का सही है, समुचित है, तो निश्चित है कि संस्था प्रगति करेगी, प्रगति की राह पर चलेगी और जो है अधिक से अधिक बेनिफिट उनको होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं। कि वित्तीय प्रबंधन की क्या क्या विशेषता होती है। पहला है संगठनों के लिए अनिवार्य। इसमें एक है संगठनों के लिए अनिवार्य। संस्था या संगठन जो है उसके लिए वित्त का मैनेजमेंट करना बहुत अनिवार्य है। यदि वित्त का मैनेजमेंट सही नहीं है तो उसका वो संस्था प्रगति होगी। संगठनों की कुशलता के लिए वित्त का मैनेजमेंट बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। किसी भी संगठन किसी भी प्रकार का हो परंतु उसमें यदि वित्त का मैनेजमेंट सही नहीं है तो संस्था जो है कभी भी प्रगति नहीं करेगी। दूसरा है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध। वित्तीय आवश्यकताओं का संगठन, मतलब आय और व्यय का ब्यौरा रखना। हमारे को कितनी पैसे की आवश्यकता है, कितना पैसा खर्च होगा, कितना इन्वेस्ट होगा, उसका सही ब्यौरा निकालना। आय और व्यय का उचित ब्यौरा निकाल कर और फिर लाभ, आपने लिखा होगा ना, उसमें लाभ होता है तो क्या होता है, आय प्लस व्यय और फिर लाभ। भाई हमारे को कितना 100 रुपये मिले, ठीक है, 100 रुपये में से हमने 75 रुपये मान लो खर्च दिए उसके विकास के लिए, तो हमारे को 25 रुपये क्या हुआ, ये हमारा लाभ हुआ। ऐसा नहीं है कि 100 मिले 125 हमने खर्च दिए तो हमको क्या होगा, घाटा हो जाएगा। आय और व्यय का उचित ब्यौरा संस्था में रखा जाना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। वित्तीय आवश्यकताओं हेतु स्रोतों का चयन, कि किन किन स्रोत से कहां कहां से हमको वित्त की आवश्यकता होगी, कि छात्र से कितना आएगा, समुदाय से कितना आएगा, सरकार द्वारा कितना मिलेगा और फिर हम कितना उसमें खर्च करेंगे। तीसरा है व्यावसायिक प्रबंधन से संबंध। व्यावसायिक प्रबंधन से संबंध, कि व्यावसायिक संगठनों जो हैं उनसे किस प्रकार से संबंध है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध व्यवसायिकता से है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से वित्तीय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, कि जो काम है उससे हमको कितना आपस में तालमेल कैसा है और कितना पैसा प्राप्त होगा। नेक्स्ट है वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। वित्तीय समस्याओं का भाई, पैसे की समस्या, कहाँ से पैसा आएगा,
कितना पैसा प्राप्त होगा, कब होगा, कितना खर्च करना है, कहाँ करना है, ये जो समस्याएं हैं वित्त संबंधी उनका इसमें अध्ययन किया जाता है और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, ताकि समय पर वित्त संबंधी जो भी समस्या है, ऐसा नहीं है कि आमदनी अठन्नी और रुपया खर्च होगा तो हमारी वित्त की समस्या आजीवन बनी रहेगी। हम घर में भी मैनेजमेंट करते हैं तो वित्त संबंधी हमारा कितना पैसा हमारे आएगा उसके अनुसार हम उसको खर्च करने का प्रयास करते हैं, उसमें से आपदा विपदा भविष्य को ध्यान में रखकर हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया से मतलब क्या है? हम एक दिन में किसी काम को नहीं कर सकते, लगातार हमको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयास करके हम जो है पैसा बचाते हैं और भविष्य के लिए इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें, अपने ही हित को, अपने ही उत्थान संस्था प्रदान बिजनेस का जो मालिक है वो अपना ही हित ना देखे, सभी को उसका का परसंपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, तभी संस्था जो है प्रगति करती है। नेक्स्ट है नियोजन। प्लानिंग करना, किसी चीज़ की प्लानिंग करना। नियोजन के बाद नियंत्रण। नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है वित्त प्रबंधन में, क्योंकि नियोजन के माध्यम से वित्त का सर्वोत्तम लाभ और उपयोग प्राप्त होता है। अब है नियंत्रण और प्रशासन। प्रशासन इसके बाद है विश्लेषण। कि कैसा प्रशासन है, कैसा उसको वित्त को की व्यवस्था बैठाने का मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से वित्त का मैनेजमेंट बताया जा रहा है, और लास्ट में उसका विश्लेषण करके उसके बारे में बताना कि सही रूप से वह मैनेजमेंट का उसमें वित्त का प्रबंधन सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो मैनेजमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय प्रबंधन में विश्लेषण का तत्व भी विद्यमान होता है, इसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है। ये थोड़े समय के लिए जो मैनेजमेंट है वो कैसा हो रहा है, लंबे समय के लिए मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन की ये 10-12 विशेषताएँ जो बताई गई हैं, यदि संस्था में इनके आधार पर वित्त का मैनेजमेंट किया जाता है तो संस्था हमेशा लाभ की तरफ जाती है। वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, नियमित रूप से जो है गर्म पानी का सेवन करें, 2 गज की दूरी रखें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। ओके, थैंक यू।